हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और कल की डेट में यहाँ पर तीन वीडियोस हमारी तरफ से यहाँ पर डाली गई थी होप आपने यहाँ पर देखे देखी होगी और नहीं देखी है तो जाइए जाके यहाँ पर यहाँ पर गो थ्रू करिए इन वीडियोस को आ, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलती हुई दिखाई देंगी और हम बात करने वाले हैं आज के दिन आ, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से लेटी जो कि आपने में देख लिया है और उन स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे और आप नॉलेज लेते रहे और बाई बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है और यहाँ पर प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना है वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो उन्हें ही मिलती रहे किसी किसी के लिए शायद ये फायदेमंद हो सकती है तो आइए वीडियो के आगे बढ़ते हैं और उन तीन स्टॉक से रिलेटेड बातें करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एंटनी वेस्ट एंटनी वेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट लास्ट ईयर इसका आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था उसके बाद से देखें तो एक कंटिन्यूस गिरावट थी और गिरावट के बाद जैसे कि हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न समझा था कौन सा चार्ट पैटर्न जो एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ चार्ट पैटर्न हमने देखा था तो उसी तरीके का चार्ट पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे बट एंटनी वेस्ट करता क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं तो एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मकैनिकल पावर स्वीपिंग ऑफ रोड्स कलेक्शन एंड ट्रांसपोरेंट ऑफ वेस्ट Waste of energy collection uh, project and uh, um, undertaking the design, construction, operation, and maintenance of the integrated waste management facility in the कांजुर मार्ग मुंबई मतलब मुंबई में एक कांजु मार्ग एक जगह है वहां पर अगर हम बात करें ये एक वेस्ट कलेक्शन वाला मतलब वेस्ट को कलेक्ट करता है या फिर आ, स्वीपिंग ऑफ रोड्स करता हुआ दिखाई देता है आ, तो और उस अगर बात करें पर्टिकुलर जो वेस्ट होता है उससे आ, अलग अलग चीज जैसे डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन जैसे कि नितिन गडकरी जी यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं वेस्ट के रोड बना देते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है वन ऑफ द टॉप फाइव प्लेयर इन द इंडिया म्यूनिसपल वेस्ट इंडस्ट्री विद ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ट्वेंटी ईयर्स मतलब बीस साल इस कंपनी को हो चुके हैं और म्यूनिस्पल सॉलिड वेस्ट प्रोवाइडर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ़ सर्विसेज़ विच इंक्लूड सॉलिड वेस्ट कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल सर्विसेज तो ये कंपनी इसी में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में एटीन ऑन प्रोजेक्ट यहाँ पर इनके चलते हुए नज़र आते हैं रेवेन्यू की बात करें अच्छा खासा इनका रेवेन्यू भी आता है क्लाइंट्स की बात करें अच्छा खासा इनके क्लाइंट्स भी है बट अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल से कभी और इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे बट हम फाइनेंशियल देखते हैं एक बार मार्केट कैप की बात करें ग्यारह करोड़ स्मॉल कैप कंपनी है पी इक्कीस के पी पे मिल रही है आर ओ सी आर ओ यहाँ पर बाईस और सोलह के आसपास है जो कि अच्छी खासी है डेट तैतीस परसेंट का डेट है कोई शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है पांच का यहां पर फेस वैल्यू भी है और इसके अलावा हम अगर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर देखें तो इसके रिजल्ट हमें समझ में आएंगे तो सेल्स देखिए पिछले दिसंबर दो से लेके तो यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स आ रही थी बट यहां पर पेंडेमिक के रीजन की वजह से कम होती दिखाई दी फिर उसके बाद देखिए कंटिन्यूस यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है और नेट प्रॉफिट भी देखे तो एक इस क्वार्टर में नेगेटिव था इसके अलावा अगर बात करें देखिए कंसिस्टेंसी के साथ नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट होते हुए दिखाई देते हैं इसके अलावा हम बात करें पे, तो इयरली बेसिस में 220, फिर दो सौ बीस दो सौ चौंबाले दो सौ छिहत्तर दो सौ चौरासी चार सौ इक्यावन चार सौ पैसठ और बारह महीने की पांच सौ उन्नीस करोड़ की सेल्स है मतलब कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर ग्रोथ है नेट प्रॉफिट भी देखिए सत्रह करोड़ का पचपन करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो गया हाईस्ट एवर है क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट जो की अच्छी के बात है यहाँ पर रिजर्व की बात करें तीन सौ चौतीस करोड़ का यहाँ पर रिजर्व बढ़े यहाँ पर कम होती

आपको पता चलेगा एंटनी वेस्ट का ये लास्ट ईयर आता हुआ दिखाई दिया था शेयर और यहाँ पर देखिए एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था आ, कब लास्ट आ, जैन में आता हुआ दिखाई दिया था ये शेयर और उसके बाद से देखिए यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट थी और गिरावट के बाद शेयर यहाँ पर देखिए डबल भी हो चुका है 240 से लेके यहाँ पर चार सौ डबल किसके लगभग यहाँ पर पैसे इसने दे दी है थोड़ा धीरे 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 करके यहाँ पर शेयर और यहाँ पर देखे तो एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिये ये जो लेवल है इसका क्रिटिकल लेवल है 486 रुपीस का। इसने सिक्स रुपीज का ये लेवल निकाला तो यहाँ पर समझिएगा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा और इस ब्रेकआउट में ये शेयर आपको अच्छे खासे गेन देता हुआ दिखाई देगा तो इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और ये शेयर अगर इस लेवल को टच करता है निकालता है तो ये शेयर याद रखिएगा एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर बना सकता है और अच्छे खासे गेन और अभी जो इसने डबल किया है तो शायद यहाँ पर और पैसा यहाँ पर ये छे सौ सात सौ रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो इसकी तरफ नजरें बनाइएगा और अभी तो यहाँ पर अगर बात करें सेवेंटी सिक्स के आर एस आई पे चल रहा है ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर ये शेयर चलता है बट फिफ्टी टू भी हाई भी नहीं कहेंगे मतलब अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा इसके अलावा अगर हम बात करें एक और चीज की तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कप विद हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ यहाँ पर से अगर हम देखते हैं हम्म तो अगर हम यहाँ पर से देखते हैं तो एक यहाँ पर देखिए कप कप के बाद ये हैंडल बना के इसने एक ब्रेकआउट दिया है इस तरीके से ये शेयर आगे की तरफ निकल रहा है और हम यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या टारगेट नजर आ रहे हैं तो लगभग इसके टारगेट ये नजर आ रहे हैं 550 के आसपास के जो कि अच्छे खासे पर टारगेट मुझे इस समझ में आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ी सी इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए एंटनी वेस्ट एक आज के दिन भी अगर हम देखें तो लगभग 10 परसेंट ये भागता हुआ दिखाई दिया है इसके अलावा एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें और करते हैं जिसका नाम है जीएलएस जो कि अभी अगर हम देखें अभी आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था और यहाँ पर देखे तो देखिए ये कंपनी काफी बेहतरीन कंपनी है ग्लैनमार्क लाइफ साइंस इज सब्सिडियरी ऑफ ग्लैनमार्क फार्मा इज वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ सिलेक्टेड हाई वैल्यू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाता हुआ दिखाई देता है और अभी ये कंपनी डीमर्ज हुई थी ग्लैनमार्क uh, फार्मा से तो उसका ये पहले पार्ट हुआ करती थी अभी भी उसका पार्ट है बट यहाँ पर इसको uh, यहाँ पर आईपीओ अलग से ला दिया गया है तो इस चीज की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा काफी बेहतरीन डेट फ्री कंपनी है और <coughs> मैंने ग्लैनमार्क फार्मा की यहाँ पर बैलेंस शीट देखी थी तो गैन मॉफ फार्मा की जो मैंने बैल, बैल, बैलेंस शीट देखी थी सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट का बिजनेस था तो इनका ये बिजनेस यही है तो कंपनी क्या कर रही है आजकल की अपने जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो जिनसे अच्छा खासा पैसा आता है तो वो कंपनी अलग से लिस्ट करती है ताकि उसमें अच्छा खासा गेन उन्हें अलग से मिल सके उनके पास पैसा आ सके यहाँ पर पब्लिक होने के बाद ऑब्वियस सी बात है हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के पास ही पैसा जाता है तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है और ये फार्म यहाँ पर ए बनाती हुई दिखाई देती है इस कंपनी के लिए एज

फेस वैल्यू दो का है एज वेल एज अगर हम यहां पर देखें तो देखे क्वार्टरली तो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दो हजार बीस यहाँ पर चार करोड़ का यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया प्रॉफिट बट कोई इशू नहीं है यहाँ पर एक्सपेंस भी देखिए ज्यादा होते हुए दिखाई देयरली बेसिस पर सेल्स की बात करें तो देखिए एट करोड़ फिर यहाँ पर डबल होता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर देखिए मतलब कंपनी अच्छा खासा

तो तब उस टाइम हम यहाँ पर देख लेंगे और यहाँ पर अगर हम देखे तो देखिए यहाँ पर आ, यहाँ पर देखिए ये कंपनी पहले ऊपर से यहाँ पर नीचे गिरती हुई दिखाई दी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें मैं इसने कल की डेट में इसमें काफी सारी यहाँ पर बाइंग करी है शेयर में और आज की डेट में यहाँ पर देखिए शेयर यहाँ पर तीन परसेंट भागता हुआ दिखाई भी दिया है तो यहाँ पर एक बॉटम बना लिया है इस शेयर ने और ये अच्छे खास अगर हम कल की बात करें तो कल तो ये तीस के आर पे चल रहा था और बेहतरीन स्टॉक डेट फ्री स्टॉक जब यहाँ पर तीस के आर पे और एकदम कंटिन्यूसी के साथ यहाँ पे गिरता हुआ और एक कंसोलिडेट यहाँ करता हुआ दिखाई देता है तो ऐसे शेयर को हमें यहाँ पर पिक कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी तो मैंने ये वही किया था और यहाँ पर आज के दिन में शेयर भाग का भी है और मुझे ये लग रहा है कि ये शेयर शायद एक राउंडिंग पैटर्न बनाता हुआ जैसे अभी हमने एंटनी में देखा था ऐसा बनाता हुआ शेयर कभी भी ऊपर निकल जाएगा और बहुत जल्दी हमें अच्छे बेहतरीन रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा शॉर्ट टर्म में यहाँ पर लोग इसका बड़े बड़े यहाँ पर एनालिस्ट इसके थाउजेंड के आ, टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं तो इस शेयर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये शेयर मुझे भी काफी पसंद यहाँ पर नजर आ रहा है इसमें एक बार वॉल्यूम अच्छे खासे वॉल्यूम तो ऑलरेडी अच्छे खासे और यहाँ पर भागना भी शुरू कर दिया थोड़ा सा वेट कर लीजिए इस शेयर को आपको जब इसके नेक्स्ट कमिंग रिजल्ट जो रिजल्ट आ रहे हैं क्यू के एक बार वो अनाउंस हो जाएंगे तो अब अस्सी बात है शेयर फिर दोबारा आपको अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई देगा इसके अलावा हम लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और कंपनी से रिलेटेड बातें करते हुए दिखाई देंगे उसका नाम है एक्सारोटाइल एक्सारोटाइल की बात करें दो तीन दिन में पर अच्छा खासा ये भागता हुआ दिखाई दिया था कल की डेट की बात करें तो कल भी हमने एक्सारोटाइल से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर पैसा आपका डबल कर सकता है ये शेयर एक्सारोटाइल्स की अगर हम आज के दिन की बात करें तो देखिए आज के दिन थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी और यहाँ पर स्टार्टिंग में तो भागा भी

तरीके के जो बिजनेस है ओके okay, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं और भारत जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहा है जो बहुत ज्यादा तो ये कंपनियां आगे चल के आपको बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स देती हुई दिखाई देगी आ, तो इसलिए थोड़ा सा इन कंपनी की तरफ नजरें बनाइए ईयरली बेसिस पे कंपनी ने काफी बेहतरीन यहाँ पर ग्रोथ करके दिखाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं <coughs> यहाँ पर पांच साल के अंदर अंदर कंपनी ने अपने आप सेल्स को दो गुना कर लिया है और यहाँ पर प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा होता हुआ हाईएस्ट एवर दिखाई दे रहा है इवन इफ यहाँ पर लॉकडाउन था स्टिल यहाँ पर अच्छी बात है ये है कि कंपनी प्रॉफिट में और हाईएस्ट एवर रिवेन्यू और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दिखाया रिजर्व बेहतरीन है एक करोड़ रुपए के बड़ा यहाँ, यहाँ पर यहाँ पर अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ जब इसके रिजल्ट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट टाइम बोर्ड और अपडेट होगा तो यहाँ पर पता चलेगा कि यहां पर कंपनी ने आई थिंक अपने आपको या तो डेट फ्री कर लिया है नेट के आसपास है तब उस टाइम देखते हैं और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी की आरओसी आरओई यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है 9 11 13 इसके अलावा यहाँ पर अभी जब रिजल्ट आएंगे तब आपको एक क्लियर पिक्चर आती हुई दिखाई देगी बट कंपनी की अगर हम बात करें तो देखिए कल एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो यहां पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी आईपीओ में आपने सुना ही होगा तो उनका 1 महीने का सॉरी एक महीने तक वो लॉकिंग पीरियड होता है और वहां तक पैसे तो कल की डेट में यहाँ पर लॉकिंग पीरियड हुआ कुछ शेयरों का तो सारे शेयर यहाँ पर धराशायी होते हुए दिखाई दिया बट यहाँ पर ये एक लौटर शेयर था जो आपको कितने टेन परसेंट भागता है दिखाई दिया तो ये बताता है कि ये कंपनी काफी बेहतरीन है और ये टी अगर बात करें ट्रेड टू ट्रेड ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिखाई देती है तो इस चीज इसलिए यहाँ पर इसके बहुत बड़े चांसेस है कि ये शेयर आपको ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कल भी मैंने आपको बताया एक बार क्यू टू के रिजल्ट आने दीजिए क्यू टू के रिजल्ट आने से क्या होगा क्योंकि देखिए लास्ट क्यू वन में तो लॉकडाउन लगा हुआ था तो एक क्लियर पिक्चर नहीं थी बट क्यू टू के रिजल्ट आने पर आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं था और ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसके बाद आपको एक समझ में आ जाएगा तो शायद ये कंपनी थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे आके फिर ये शायद भाग सकती है और सेवनटी वन के आर एस आई पे ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है और जाना तो इसे ऊपर ही है बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर लेंगे और थोड़ा सा शेयर अगर महंगा भी खरीद लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है बट अच्छा शेयर अच्छे टाइम पे आप सॉरी अच्छा शेयर आप थोड़ा सा भी ऊपर लेवल पर भी खरीद लेंगे ना तो कोई कोई यहाँ पर इस बात नहीं शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न देता नजर तो थोड़ा वेट आज के दिन भागा था बट कोई नहीं है तो तीन बनाईनी तीनों शेयर काफी बेहतरीन है तीनों में कुछ ना कुछ यहाँ पर पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को लाइक करना दूसरी वीडियो को जाकर देखना से भी लाइक करना है तो एंजॉय करिए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस